सीबीएसई के इतने स्कूल क्यों खुले? क्योंकि सीबीएसई ने एक अपने मापदंड बना लिए कि इन मापदंडों पे आप अपना स्कूल खोलिए या कॉलेज खोलिए, और इन मापदंडों के अलावा करिकुलम सेट कर दिया। यदि ऐसे ही मापदंड और करिकुलम हम इसमें भी सेट कर देंगे, अपना स्किल्ड वर्कर के लिए सेट कर देंगे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नए खुलेंगे, पीपीपी मॉडल में भी खुलेंगे और बहुत सारे लोग आगे आएंगे। बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ। जिस तरह से लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार फिर से अपने एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे स्किल्ड इंडिया के बारे में बात करके, तो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद है जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और एक विजन दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे भारत के भविष्य को वो स्किल्ड बनाएंगे और इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहूंगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिस्टर राजीव प्रताप रूडी जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इसी के साथ एक ऐसी शख्सियत भी हमेशा की तरह, यानी कि हमारे शो मेंटोर हमेशा की तरह हमारे शो पर मौजूद है, जो हमें गाइड करते आए हैं, मोटिवेट करते आए हैं और ऐसे बिजनेस टिप्स दिखाते आए हैं जिन रास्तों को देखकर और उन पर चलकर हम खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर कह सकें। और इसी के साथ उनका भी स्वागत करना चाहूंगी जो एक ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और एक मैन है विद अ ग्रेट विजन। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे स्किल्ड इंडिया के बारे में और हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात कर रहे थे। सर सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये क्या है और किस सोच के साथ इसे सेट किया गया? जब शॉर्ट टर्म स्किलिंग के बारे में बात शुरू हुई नॉन एकेडमिक, तो पहले कई योजनाएं थे, स्टार, रिवॉर्ड बेस्ड, तो ये सब अनुभव मुझे प्राप्त हुआ जब मैं इस मंत्रालय में आया। और हमारी संस्था है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सबका कुछ ना कुछ तो एक ऑक्यूपेशन है, उसको हम लोगों ने तय किया कि ये, और दुनिया भर में ऐसा किया जाता है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स इसको हम कहते हैं नॉसेस जी। और इस नॉसेस में आज इस देश में लगभग हम लोगों ने 6,500 से भी ज़्यादा नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं। हर काम का एक है जी, जी। जो फूलों का गुलदस्ता भी बनाता है वो भी एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन क्या वो ऑक्यूपेशन अपने आप में एक जॉब है? नहीं, कई सारे छोटे ऑक्यूपेशन को मिला करके जॉब है। अगर आप टीवी एंकर हैं तो आपने पढ़ाई भी की होगी, आप फैशनेबल भी होंगी, आप ऑडिशन भी आपने प्रैक्टिस किया होगा और कई सारी चीज़ों को मिला के आप एक एंकर हैं। मुझसे आज अगर कहिएगा वेल्डर, तो एक तो मैं कहूँगा वो जो गेट बनाता है, ग्रिल बनाता है सड़कों के किनारे, एक छोटा सा वेल्डिंग मशीन लेकर के अपना ग्रिल बनाते हुए दिखता है, गेट बनाता है, वो भी एक वेल्डर है, उसका भी काम करने का मशीन अलग है। एक वेल्डर वो है जो बड़े बड़े टाटा मोटर्स के असेंबली लाइन पर हो, जहाँ छोटी लड़की या छोटा लड़का आईटीआई पास आउट हो और वो एक टॉर्च जो फ्लेम होता है उसको लेकर के और एक बोल्ट लेकर के उसको 6 जगह स्टिच डालता है, वेल्डिंग करता है और वो फिर असेंबली लाइन मूव करता है, वो भी वेल्डर है। उसका वर्किंग कंडीशन अलग है, उसका क्वालिफिकेशन अलग है, बट वो भी वेल्डर है, उसका कैटेगरी अलग है। एक वेल्डर है जो बड़े गैस पाइपलाइंस है, जैसे हम कहते हैं हजीरा बीजापुर गैस पाइपलाइन, तो उसका भी वो सड़क किनारे है, ओपन में है, बड़े पाइप्स हैं, उसका इंसुलेशन है, उसका वेल्डिंग है, उसका टॉर्च एकदम फर्क है, वो भी वेल्डर है, उसका क्वालिफिकेशन अलग है। एक वेल्डर है जो समुद्रों के भीतर जाके ऑयल रिग्स में काम करता है, और जो जहाज के नीचे जा करके वेल्डिंग कर देता है, तो वो स्कूबा डाइवर भी है, उसको डाइविंग भी आता है, उसका नॉलेज अलग है, उसका टॉर्च अलग है, उसका एंड्योरेंस अलग है, उसकी पढ़ाई अलग है, वो भी वेल्डर है, और सबका वेतनमान अलग अलग है जी। तो इस प्रकार से डिफाइन हुआ। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जैसे अगर किसी को गार्डनर ही बनाना है, तो गार्डनर तो सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन अगर गार्डनर की ट्रेनिंग देनी है तो मिट्टी के बारे में, पौधों के बारे में, पौधों के फूलों के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, उसके सीजन्स के बारे में, उसको प्रकृति से, उसमें जितनी चीज़ें हैं, उसमें उस मिट्टी बदलने से लेकर के जितनी चीज़ें एक गार्डनर, तो कभी आपने सुना था कि किसी गार्डनर की फॉर्मल ट्रेनिंग होती है? हर जगह एक व्यवस्था कायम की गई है और वो एक सर्टिफिकेट लेके, जैसे आपकी मेकअप आर्टिस्ट कहीं से उसने मेकअप का काम सीखा होगा, तो हो सकता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, और सर्टिफिकेट भी होगा तो हो सकता है वंदना लूथरा या शहनाज का कोई सर्टिफिकेट होगा, लेकिन उसकी मान्यता, वो तो ब्रांड का मान्यता है जी जी। लेकिन सरकारी स्तर पर देश, अगर वो कहीं विदेश में जाके काम करना चाहे तो क्या मान्यता होगा उसका? नहीं होगा उसको एनएसक्यूएफ के तहत। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो बच्चे आते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनके प्रशिक्षण का, सिलेबस का, करिकुलम की सबकी बताए, और उसके लिए ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स की भी प्रशिक्षण, फिर एसेसर्स होते हैं, एसेसर्स की मान्यता, एसेसर्स भी इस देश में बड़ी चुनौती है, और फिर असेसमेंट के बाद उसको हम लोग
सर्टिफिकेट देते हैं और वो फिर जॉब इंडस्ट्री से रिलेट करता है जिसको जो इंडस्ट्री कनेक्ट, तो एक मोटे तौर से एक रूपरेखा बना दिया गया है, काम चल रहा है और अभी हमको लगता है कि 23 लाख बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और इसका बहुत ही भयंकर रिस्पॉन्स है। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रिटेल में जो वो किसी उसकी ट्रेनिंग हुई थी, ILFS एक संस्था है उसने उसकी ट्रेनिंग की थी और उसका वीडियो भी जब हमने रिकॉर्ड करके चलाया तो बहुत लोगों ने लाइक किया। तो मैंने पूछा कि तुमने इतना अच्छा, तुम अंग्रेजी में मुझसे बात कर रही हो, तो बोली कि मैं तो पहली बार किसी स्टूडियो में आकर के बात कर रही हूँ और हम तो कॉन्फिडेंस, मैंने तो 2 महीने का कोर्स किया है प्रधानमंत्री कौशल, मेरा कॉन्फिडेंस अंग्रेजी बोलने का, मेरा प्रेजेंटेशन का, मेरा स्टाइल का सब बदल गया है। तो मैंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी कारपेंटर हैं। अब ऐसे लोगों की जो, और हमने पूछा कुछ पैसे लगे, बोले कोई पैसे नहीं लगे और आज मैं 16,000 की नौकरी शुरू करने वाला हूँ। तो ये सब चीजों का अब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और हम लोगों ने PMKVY के तहत राज्यों को भी पैसे दे दिए। कई बार आजकल शोज चल रहे हैं 3 वर्ष के बाद, तो वो लोग कि राजीव प्रताप रूडी का परफॉर्मेंस 10 में 5 है, 2.5 साल में, 2.5 साल में मंत्रालय में कुर्सी टेबल लगाने से लेके और कैबिनेट नोट तैयार करने से लेकर के प्रधानमंत्री जी से निर्देशन लेकर के पूरे देश के लिए मानक बनाना। तो उन लोगों से मैं यही कहता हूं कि मेरी तुलना आप अलग से कीजिए, क्योंकि exactly. तो मेरा ग्राफ अलग से बना है। और दूसरा विषय ये जॉब्स के बारे में, तो मेरा ग्राफ इसलिए कम किया जा रहा है आजकल कि मैंने जॉब्स नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये तमाम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, थोड़ा इनके आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। मेरा, मेरे मंत्रालय का काम जॉब क्रिएट करना नहीं है, मेरे मंत्रालय का काम है जॉब जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा हो उसके लिए ट्रेनिंग करना। राइट, एग्जैक्टली। और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, जॉब्स इस अनुपात में क्रिएट हो रहे हैं जिस अनुपात में हम ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं माली को ट्रेन करके भेज रहा हूँ, अगर मैं ब्यूटिशियन कर रहा हूँ, वो जाकर के अपने गांव में एक ब्यूटिशियन चेयर खरीद करके आईना लगा करके अपने गांव में अगर वो कोर्स शुरू करती है, तो ये कहाँ पकड़ा जा रहा है? अभी तक हमारे देश में ये व्यवस्था ही नहीं है कि ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करें। जो एक कारपेंटर है, कारपेंटरी वॉल पेंटर है, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा के उसका कहाँ आ रहा है? जी जी। तो नॉन फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, और कोई अगर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले करके मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग 2 महीने का करता है और अपने गांव में जाके मोबाइल रिपेयर शॉप का शुरुआत करता है, बैंक से फाइनेंस करा लेता है 50,000 से 1,00,000 के इक्विपमेंट का, और उसके बाद जाकर के वो शुरू करता है, अपने साथ 3 बच्चों को रखता है जो चारों तरफ से जाकर के खरीद करके बच्चों लेके आए मशीन्स और घर पर पहुंचाए बनवा करके, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो, ये कहाँ दिखता है? ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात पढ़े लिखे लोग वहां कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। हमारा वो लक्ष्य नहीं है, सरकार कभी नौकरी नहीं दे सकती है। स्वरोजगार उत्पन्न करना, उसमें निवेश लाना, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना माइक्रो एंटरप्राइज में, यही सबसे बड़ा अभियान है और करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चों को हम लोग स्वरोजगार के रास्ते पर ले जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। और इतनी सारी बातें यहाँ पर सर ने कही कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दिमाग में। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी सर, जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं 2015-16 की बात करती हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5% था और 14 की बात करती हूँ तो 4.9 था। ये जो दर है आगे चल के और कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ रही है हम देख रहे हैं, तो क्या वजह आप इसकी समझते हैं? देखिए, इसको मैं 2 तरह से देखता हूँ। पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे, जो सब चैनल्स में चल रहा है कि रोजगार नहीं बढ़े या इस साल कुल इतने क्रिएट हुए, पहले ज़्यादा क्रिएट हुए, दर घट रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सर्वे है जो लेबर ब्यूरो करती है, ये कुल 8 सेक्टर को काउंट करती है, जिसके हमारे 24 सेक्टर होते हैं। मेजर सेक्टर जो है हमारे, उनको काउंट ही नहीं करती, जैसे रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार होते हैं। दूसरी बात, हमारे देश में ऐसा माहौल पैदा हुआ, पहली बार एक मुद्रा योजना चली जिसमें कि 50,000 से 10,00,000 तक का लोन मिलता है बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी के। ये पहली बार देश में हुआ है। पहले बहुत सारी स्कीम थी लेकिन उसमें थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होती थी, जो कभी अरेंज नहीं कर पाता था हमारे देश का युवा और उनको कभी नहीं बढ़ पाते थे। तो पिछले 2 सालों में 7,75,00,000, मतलब लगभग 7.25 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, 50,000 से ज्यादा जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिया। तो मैं अगर मानूं कि उनमें से एक भी आदमी उन्होंने एम्प्लॉय किया होगा, तो हमारे देश में लगभग 15 करोड़
लोगों को रोजगार मिला जी, स्वरोजगार में। और ये ज्यादा अच्छी बात है जब आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है, जब वो एंटरप्रेन्योर बनता है तो आज उसने एक आदमी रखा है या दो आदमी रखे हैं, कल वो चार छः आठ दस और पचास रखेगा। तो हमारे को रोजगार से ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले पैदा करने जरूरी हैं जो कि हमारे देश में पैदा हुए। जैसे मैंने एक मुद्रा का एग्जांपल दिया जिसमें पौने आठ करोड़ लोग, ऐसे ही स्टैंडअप का एग्जांपल लें, 6,000 करोड़ उसमें बांटे गए स्टैंडअप इंडिया में। इसी प्रकार से और बहुत सारी योजनाएं, स्टार्टअप जो नए इनोवेटर थे हमारे देश में उनको एक नया योजना दिया गया स्टार्टअप, तो उसमें बहुत सारे लोग रोजगार में आए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि दो सालों में रोजगार नहीं मिले, क्योंकि जिस लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट की हम बात करते हैं उसको यदि हम पूरे कंट्री के पूरे हम इस तरह से देखें कि कितने रोजगार या कितने व्यवसाय शुरू हुए उससे यदि हम काउंटर करेंगे तो पहला देश में, पहली बार ऐसा हुआ होगा देश में कि दो सालों में 15 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह के रोजगार या स्वरोजगार में लगे। यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार इस पर जरूर चर्चा करेंगे, आप कहीं मत जाइए। उसको मेंटोर से एंटरप्रेन्योरशिप, उसे स्वरोजगार की तरफ जाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया और उसका पूरा कोर्स बनाया गया, करिकुलम बनाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड यानी आपके अपने शो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से उठ के सीधा मैं ट्रेनिंग लेने चली जाऊँ और अच्छी एंकर कैसे बनूँ उसके लिए स्किल ट्रेनिंग मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी सर कि प्रधानमंत्री युवा योजना क्या है। अब हम लोगों ने मैंडेट किया है कि हर जगह एक मेंटोर होगा जी, जो उसको पहले दिन से पूछेगा भैया आप करना क्या चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसको साथ साथ सलाह देगा कि अगर ये सीख लोगे, अगर तुम स्नाइडर कंपनी के इलेक्ट्रिशियन के रूप में तुमको सर्टिफिकेट मिलता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत और तुमको हम 50,000 1,00,000 1.5 लाख का इक्विपमेंट खरीद दें तो तुम अपनी दुकान भी खड़ी कर सकते हो अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में जा करके, और क्योंकि तुम बाकियों से ज्यादा जानोगे तो तुम्हारा उस इलाके में सबसे ज्यादा डिमांड रहेगा क्योंकि तुम मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ जा रहे हो, तुम्हारी जानकारी ज्यादा है। तो हम उसको मेंटोर से एंटरप्रेन्योरशिप, उसे स्वरोजगार की तरफ जाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया और उसका पूरा कोर्स बनाया गया, करिकुलम बनाया गया। ITIs में भी हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को कोर्स ही बना दिया है, लेकिन उसको एक्चुअल बनाने के लिए अब हम मेंटोर्स की अपॉइंटमेंट वहाँ बात कर रहे हैं। और इसी तरह से ये काम हम लोग बड़े जो नैप जो युवा है उसमें हम लोगों ने स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ ये एक बड़ी योजना है, वहाँ पर बच्चों को स्कूल में इस बात का क्लासेस लेना, उसको बताना कि आप अपना स्वरोजगार, व्यवसाय, उद्यमी कैसे बन सकते हैं, ये हम लोगों ने युवा योजना में शुरू किया है। इसी के साथ आपसे भी पूछना चाहूंगी सर कि जिस तरह से महिलाओं को हम देखते हैं कि वो दिन पर दिन आगे बढ़ रही हैं और उनको भी स्किल करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, मैं स्किल्ड ट्रेनिंग पे तो बात नहीं करूंगी आपसे महिलाओं की, वो तो मैं सर से पूछूंगी, लेकिन आप हमें बताएं कि उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को और एनहांस करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। देखिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है क्योंकि आज हमारे देश के अगर हम स्किलिंग की बात भी करते हैं तो 30% सीट रिजर्व रहती है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए अलग अदरवाइज बहुत सारी स्कीम है जैसे स्टैंडअप इंडिया की स्कीम है जो महिलाओं के लिए है जी। इसके अलावा जितने भी हमारे कमर्शियल और नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक हैं सब महिलाओं के लिए अलग स्कीम चलाते हैं, और मुद्रा में जितने भी लोन दिए गए हैं उसमें 70% महिलाओं को दिए गए हैं। अगर हम 7.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं तो उसका 70% लगभग 5 करोड़ महिलाओं को लोन दिए गए हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इसी प्रकार से एक थ्रेड योजना होती है जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की, उनकी स्किल भी तराशी जाती है और साथ में उनको 30% सब्सिडी भी दी जाती है। अच्छा। और यदि हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए मार्जिन मनी कुल 5% होता है और उसमें सब्सिडी डिपेंड करता है कि शहरी है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में है, 35% तक है, शहरी में 25, ग्रामीण में 35। अच्छा। तो इस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं जो कि सरकार चला रही है जिससे कि महिलाएं आगे आएं और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ें और खुद भी रोजगार उनका भी हो और साथ में आगे लोगों को भी रोजगार दें। चलिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार की तरफ से? जो सबसे आकर्षक अभी मुझे जो दिख रहा है वो रिटेल के सेक्टर में। अच्छा। और बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे रिटेल में जा रहे हैं। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री और वेलनेस एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, इस पे बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और थर्ड बहुत बड़ा सेक्टर है जो हेल्थ का सेक्टर है, इसमें जनरल नर्सेस का तो अलग एक कोर्सेज है, नर्सेज के नीचे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको हम लोग कई सारे उसमें हैं जिसमें फॉर एग्जांपल जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, डायलिसिस असिस्टेंट, इस प्रकार के जो नॉन नर्सिंग के कैटेगरी के बाहर के कोर्सेज उसमें बड़ी संख्या में लड़कियाँ जा रही हैं। इसके अलावा एक और है जो
लोअर मिडिल क्लास जो सचमुच संघर्ष करने वाली महिलाएं जिनको अपना परिवार चलाना है, घर में वो ताकत रह करके 1,000-1,500 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनको असिस्टेंट टेलरिंग का, और बड़ी संख्या में लोग सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कोयम्बटूर में, कोचिन उस इलाके में, दक्षिण के इलाके में और पश्चिम के इलाके में जा रहे हैं जिसमें ये टेलरिंग की ज़रूरत है, और वो तुरंत एम्प्लॉयमेंट 7,000-8,000 रुपये उन्हें कैश बैंक में मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलता है, और फिर 1.5-1.5 साल के बाद प्रमोशन होता है, वो 2,00,000-3,00,000-4,00,000 कमा करके घर जाती हैं, अपना परिवार बसाती हैं, तो बहुत है। लेकिन अब हम लोगों ने इसको छोटे छोटे केस स्टडीज़ को भी अब चला करके बताना शुरू कर दिया है कि हमारी कामयाबी क्या है। मैं तो इस पूरे व्यवस्था में यही कहना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ये अपने आप में गरीबों के लिए, क्योंकि हमारी सरकार का लक्ष्य बहुत साफ है, हमारी सरकार गरीब के लिए है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए है, नौजवान के लिए, दिव्यांग के लिए और महिलाओं के लिए, हमारा लक्ष्य गरीबों का है। ये वर्ष हम मना रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी समारोह वर्ष मना रहे हैं, और इसमें अंत्योदय, जो समाज का सबसे गरीब अंतिम व्यक्ति है, वो हमारा संकल्प है, और इसीलिए हम चुनाव के परिणाम क्या हों लेकिन कई योजनाएं जिसमें कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, बाकी सारे स्वच्छ भारत करा के पूरा एक रेसिपी भारत को हम लोगों ने दिया है, जिसमें जनधन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब को 1-12 रुपये में हम लोग आज, अब हम लोग जितने बच्चे जो स्किलिंग के लिए जा रहे हैं उनको इंश्योर भी करा दे रहे हैं। जी जी, कि अगर हम 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 15 रुपया और या 100 रुपया खर्च करके उसको इंश्योरेंस किया, अगर उसके दौरान उसके साथ कोई घटना हो जाए तो उसको कम से कम मुआवजा मिल सके, उसके पास वो सर्टिफिकेट हो, 3 साल के लिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसके बाद 2 साल के लिए वो खुद रिन्यू कर सकता है। तो हर योजना के साथ हम लोगों ने कुछ कुछ जोड़ा है, और ये इफेक्ट अब रिपल इफेक्ट ऑफ स्किलिंग बोथ स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्मल सेक्टर विच इज ITIs और ITIs के गुणवत्ता में अब अगले सेशन से, जो अभी एप्लीकेशन आ गए हैं वो तो अलग है, अब अगले सेशन से ITIs के पूरे मानक बदल दिए गए हैं, और अब ITIs जो खुलेंगे वो अपने आप में स्टेट ऑफ एक्सेलेंस होगा। यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा, जो हमारा ग्रामीण युवा है, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसमें कौशल प्राप्त करके मुद्रा योजना का लाभ लेके एंटरप्रेन्योर बने। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इनसाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात कर रहे हैं स्किल्ड इंडिया के बारे में, बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें मिल चुकी है, और अभी वक्त है आगे बढ़ने का और जानने का कि नैप्स जो स्कीम सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी वो क्या है। नैप्स योजना के तहत वैसे तमाम इंडस्ट्री जो इन बच्चों को अपने यहाँ 1 साल के लिए प्रशिक्षण में रखेंगे उन्हें लगभग 25,000-30,000 रुपया सालाना हम एक अपने तरफ से सीधे तौर पर इंडस्ट्री को देंगे, जो उस प्रशिक्षण में उन बच्चों को रखने के लिए उनको इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, और इसके लिए कैबिनेट ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, और ये बड़ा कामयाब हो रहा है। बड़े बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन आ रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, और तो हम लोगों ने हर दिशा में कुछ ना कुछ शुरुआत कर दी, राज्यों के साथ, केंद्र के साथ, नए मानक, शॉर्ट टर्म स्किलिंग, इंडस्ट्रियल स्किलिंग, ओवरऑल पॉलिसी लेवल पर इंटरनेशनल पार्टनरशिप। हमारे 86 ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिसमें अगर आप भारत में ट्रेनिंग लेते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में उसकी मान्यता है। अभी हाल फिलहाल एक फंक्शन हुआ दुबई से, कई सारे ऐसी बच्चियां आई जो वहाँ रिफ्रैक्शनिस्ट का, आई ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम कर रही थी, इन एब्सेंस ऑफ अ सर्टिफिकेट दे वर रिटर्न्ड। हम लोगों ने उसकी वहाँ ट्रेनिंग कराई और उनको सर्टिफिकेट दिया, और आज दुबई में वो बच्चे जाके वापस काम पर लग गए हैं। तो काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन अभी बहुत करने की जरूरत है, ये जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी काम और करने की बड़ी जरूरत है। तो सर आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही है, तो जो गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कैसे आगे चल के भर सकता है आपके मुताबिक? बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं, MBA के स्टूडेंट्स ऐसे हैं या फिर स्किल ट्रेनिंग ले चुके लोग भी ऐसे हैं जो आगे चल के जॉब्स तलाशते हैं, उनको नहीं मिलती है, क्या वजह? एक्चुअली उसी के लिए पूरा मंत्रालय है, क्योंकि हमारे देश में सब एजुकेशन, जैसे पहले बात हो रही थी, सब एजुकेशन लेते थे और उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होती थी। उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल हो जो हमारे ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी, और क्योंकि अभी सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है कि जो हमारे एंट्री लेवल के जॉब जो हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है, उनकी स्किल ट्रेनिंग ज्यादा चल रही है और उनको हम देख रहे हैं कि कैसे उनके पास एक ऐसा रोजगार या एक ऐसी स्किल आ जाए जिससे वो कभी भी भूखे ना मरें और कभी भी ऐसा ना हो उनके पास रोजगार की कमी हो। क्योंकि अगर उसके पास एक हुनर होगा तो फिर उसको रोजगार की कभी कमी नहीं है, ना हमारे देश में ना हमारे विदेश में। और हमारे मेरे ख्याल से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे देश में कुछ जरूरत हो, जर्मनी, चाइना या कहीं और भी कुछ जरूरत पड़ती है, मान लीजिए स्किल लेबर फोर्स की, तो उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग देके हम उनको वहां भी भेज सकें। मतलब उनकी जो ट्रेनिंग इस तरह की हो वो इंटरनेशनल लेवल की हो। हमारे देश में इंटरनेशनल स्किल सेंटर खुलने शुरू हो गए हैं जिससे कि उसकी ट्रेनिंग को पूरे विश्व में जाना पहचाना जाए और उसके लिए पूरे विश्व में जगह हो, रोजगार हो। युवाओं की बात करें तो आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में युवाओं का? इनफैक्ट अगर मैं उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ, एम्प्लॉयमेंट बहुत है जी, योग्यता के अनुसार। आज अगर हम इंजीनियर बना रहे हैं, 18 लाख इंजीनियर हैं, 8 लाख इंजीनियरिंग की सीट्स खाली हैं, जो इंजीनियर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ रहे हैं हमारे दरवाजे पर, हमारे घर में हजारों की संख्या में सर्टिफिकेट पकड़ा के जाते हैं हमें जॉब, तो आप उस लायक हो जिस काम के लिए आप काम करना चाहते हैं। डिग्री आपको नौकरी नहीं देगा, कौशल आपको नौकरी देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही अगर मैं अंडर प्रिविलेज सेक्टर की बात करती हूँ सर, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी की अवस्था है, उनकी आमदनी अगर 1000 रुपया 1500 रुपया गाँव में रहते हैं, आस्ते आस्ते सरकार चाहे वो गैस की योजना हो, बिजली हो, पानी हो, हम उस तक पहुँचा रहे हैं। और उसके घर का बेटा अगर हमारे यहाँ चला आता है, उसको 2 महीने हम रखते हैं, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रक चलाने की देते हैं 8000 से 15000 में शुरू होता है और 40000 तक चला जाता है। तो हर तबके के लिए दूर दराज के इलाके में, आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ हजारों की संख्या में नौजवान हैं, लायक हैं, मजबूत है, समझदार हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एक बार अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो फिर वो रास्ता ढूंढ लेता है। और अगर थोड़ा अंग्रेजी बोल ले, थोड़ा पासपोर्ट बना ले, तो विदेश का भी रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को सिर्फ भारत का ही विश्व कैपिटल नहीं बनाना है, पूरी दुनिया का बनाना है। बिल्कुल सही कहा, भारत को सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का इनफैक्ट कैपिटल बनाना है। यहाँ पर बात करना चाहूंगी आपसे, जो सिग्नेचर कमेंट आप हमेशा हमें देते हैं, तो युवाओं की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा, जो हमारा ग्रामीण युवा है, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसमें कौशल प्राप्त करके मुद्रा योजना का लाभ लेके एंटरप्रेन्योर बने जी। ये सुनहरी मौका है, पहले देश में कभी नहीं आया, पहली बार आया, उसका फायदा उठाएं। स्किल्ड इंडिया के फ्यूचर के बारे में आपका क्या कहना सर? फ्यूचर ही स्किल्स हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार, उन्होंने ये मंत्रालय खड़ा करके एक दिशा तो दे ही दिया नौजवानों को, हम उस बड़े अभियान को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो आपका शुक्रिया करने से पहले एक छोटा सा प्रेजेंट है आपको देना चाहेंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर, जो आप यहाँ पर आए, इतना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और स्पेशली हमसे बातचीत की, हम इंस्पायर किया, मोटिवेट किया पूरे देश के युवाओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, जो हमेशा आप आते हैं यहाँ पर, हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं, इनफैक्ट ये आपका अपना शो है और इतनी सारी टिप्स हमें देते हैं, इतना कीमती वक्त अपना निकाल कर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ख्वाब तो देखने ही चाहिए, अगर उनको पूरा करना है तो फिर उसके लिए कदम भी उठाने चाहिए। सरकार हमारे साथ है और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए वो क्या कुछ कर रही है ये हमने आज आपको बताया, स्किल्ड इंडिया के लिए क्या कुछ कर रही है ये भी बताया, यानी कि भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो सपने उन्होंने देखे उन्हें पूरा करने के लिए एक विजन लेकर वो साथ में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड लेकर हाजिर होंगे। वैसे शो आपका अपना शो है, आप इसमें अपने सजेशंस हमें भेज सकते हैं, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिखकर सकते हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फोन नंबर भी है, आप SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहिए, नमस्कार।